हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अरविंद राज, स्वागत है आपका अरविंद हेल्थ टिप्स में। दोस्तों, अगली वीडियो में मैंने इमोरिज कैप्सूल के बारे में बताया था, ये है उसका दूसरा पार्ट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जन्म लेके आते कोई भी इंसान इसी तरह आया है, हम लोग इसी तरह पैदा हुए हैं। कोई बीमारी अगर शरीर से चल के सेल्स में पहुंच जाती है, वो लाइलाज हो जाती है। अपनी ये जो दवाई है कैप्सूल इमोरिज, ये सेल्स पे काम करता है। सेल्स ठीक होगा, टिश्यू ठीक हो जाएगा, टिश्यू ठीक होगा, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम बॉडी। यानी एक ही दवाई हर बीमारी पे क्यों काम करेगी, क्योंकि ये दवाई सेल्स पे काम करेगी, यानी जड़ पे काम करेगी। एक हम गाड़ी ले लेते हैं, उसकी सर्विस कराते हैं टाइम टू टाइम, कहीं गाड़ी रास्ते में खराब ना हो जाए, लेकिन शरीर रूपी गाड़ी की कोई चिंता नहीं है। चिंता हो भी कैसे, आज तक ऐसी दवाई भी तो नहीं बन गई जो इस गाड़ी की हम सर्विस कर लेते, हम बीमारी ना होते, ये भी समस्या थी। लेकिन आ गया इसका सॉल्यूशन, इमर्ज कैप्सूल। जरूर दोस्तों, हम इसको बीमार होकर खाएं। अगर आप दो कैप्सूल सुबह, दो कैप्सूल शाम पर डे खाते हैं और अपने पूरे परिवार को भी खिलवाते हैं, तो आप लोग कोई बीमारी भी नहीं होगी। इसका खुद उदाहरण मैं हूं पिछले 8 साल का। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वो 90 तत्व तो हैं जो रिसर्च हुआ है, जिसे कुछ तत्व तो कम होने से बीमारी शरीर में लगती है। जो पहले से सभी पूरे रहेंगे, बीमारी शरीर में आएगी नहीं, जो है वो भी बाहर हो जाएगी। और आज दोस्तों, हम लोगों के बीच में जो कोरोना आया हुआ है, आज पूरा वर्ल्ड बोल रहा है कि जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है वो कोरोना से बच सकता है। बहुत सारे काढ़े वगैरह आयुष मंत्रालय ने दिए हैं। ये सारे जो काढ़े वाले जो घटक हैं, वो ऑलरेडी हमारे डिटॉक्सिफाई में है। कल हमारे पाटिल सर ने इसके बारे में हमें पूरा समझाया, जो 500 लोगों की कल मीटिंग हुई थी, तो जो उस मीटिंग में थे उनको समझ में आ गया, जो नहीं गए उनकी समझ में नहीं आया। तो इसलिए हर मीटिंग प्रोग्राम अटेंड करना जरूरी है। तो दोस्तों, हम पिछले 12 साल से ऑलरेडी इस इम्यूनिटी पे ही काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंश्योरेंस ऑफ योर इम्यूनिटी। ये इम्यूनिटी पावर ही बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर ही बढ़ा देता है शरीर में, रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ा देता है। तो आप लोग इसको अपनी वेलनेस के लिए, कोरोना से बचने के लिए, बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए भी खा सकते हो। क्लियर? ये सभी ग्रोथ फैक्टर्स इस कैप्सूल के अंदर होते हैं। कौन सा ग्रोथ फैक्टर किस किस बीमारी में काम करेगा, अभी आपको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। ये वो सभी विटामिन मिनरल्स वगैरह भी इस कैप्सूल के अंदर होते हैं, नेचुरल, कोई अलग से नहीं डाला गया। और यही वो 90 तत्व हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। जब इनमें से कुछ कम होने शुरू जाते हैं, तो ही हमारे शरीर में दोस्तों बीमारियां लगनी शुरू हो जाती हैं, और ये इस कैप्सूल के अंदर है। अब मैं आप लोगों से विद एग्जाम्पल बात करूंगा, क्योंकि हम लोग एक डॉक्टर के साथ ही बैठ के बात करते हैं, एमबीबीएस के, और नॉन डॉक्टर के साथ भी। जब किसी डॉक्टर साहब से बात कही जाती है कि डॉक्टर साहब आप इसको अपनी वेलनेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होगी, आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, तो उनका एक सवाल हमारे ऊपर आता है, मैं कैसे मान लूं, क्योंकि डॉक्टर को प्रूफ चाहिए, एमबीबीएस किया उन्होंने। तो हम उनको बताते हैं, डॉक्टर साहब इसके अंदर एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, इसलिए वेलनेस में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों हमारी बातों को सुनकर मानते हैं, उन्होंने पढ़ा, उन्हें मालूम है, लेकिन उन्हें भी आज तक किसी भी दवाई में मिला नहीं। मिलता भी कहां से, नेचुरल था, या तो माँ के दूध में था या गाय के दूध में था। तो गाय के दूध से अपना कैप्सूल बनकर आया, उसमें चीज आई, तो वेलनेस में इस्तेमाल होगा। ये हार्ट की ब्लॉकेज को खोलता है। पहली बार एक ऐसी दवाई आई जो हार्ट की ब्लॉकेज को खोल रही है, नहीं तो बाईपास सर्जरी करानी पड़ रही, स्टंट डालने पड़ रहे हैं, पता चला मरीज फिर भी गया हार्ट अटैक में। क्यों खोलेगा हार्ट की ब्लॉकेज को? क्योंकि इसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स का काम है हार्ट की ब्लॉक को खोलना। किसी को शुगर है, अगर वो इंसुलिन इंजेक्शन भी लगवाता है, 10 से 12 महीने के अंदर हम लोग उसका इंसुलिन लगना ही बंद कर देते हैं। दोस्तों अभी हमारे बीच में यहाँ से नोएडा से हैं जो 18 यूनिट इंजेक्शन लेते थे, गायत्री मैडम ने उनको मेडिसिन दिया और आज यहाँ पे उनका इंसुलिन लगना बंद हो गया है। देविंदर जी हैं जो नोएडा से बिलोंग करते हैं, मैं उनका परिचय अभी आपसे कराऊंगा। क्योंकि ये दवाई क्यों और कैसे पे काम कर रही है, शुगर हुआ ही क्यों, जब पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो गया, बीटा सेल एक्टिवेट ना हो, और शुगर में क्यों काम करता है, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन एफेक्टर फर्स्ट है, IGF-1 है। IGF-1 का काम ही ये है कि पहले बीटा सेल को एक्टिवेट करता है, और बीटा सेल एक्टिवेट हो गया तो पैनक्रियाज के अंदर इंसुलिन नेचुरल बनने लगता है, जैसे हम पहले थे ऐसे हो जाते हैं। कोई मोटापे से दुखी है, उसके मोटापे को उसकी एनर्जी में कन्वर्ट करता है यही कैप्सूल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर IGF-1 है। अभी मैं दोस्तों एक ही कैप्सूल की बात कर रहा हूं, इमरज की, और एक एक करके ग्रोथ फैक्टर आते जा रहे हैं, उसी के अनुसार मैं आपको बीमारियां बता रहा हूं। कोई किडनी का मरीज है, अगर वो डायलिसिस पे भी चल रहा है तो धीरे 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 पर उसका समय कम होगा, और एक दिन ऐसा आ जाएगा उसका डायलिसिस होना ही बिल्कुल बंद हो जाएगा।
किसी का लीवर का, लंग्स का, मसल्स का, कार्टिलेज का, स्किन का, चपड़ी का, कोई भी बीमारी एक जेड उसमें बस काम करता है ये कैप्सूल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर IGF-1 है। ये बच्चे की हाइट को बढ़ा देता है, लेकिन बच्चे की उम्र 18 साल से कम हो, क्योंकि 18-20 साल तक की हाइट बढ़ती है। कोई सांस का मरीज है, इनहेलर लेता है, इंजेक्शन लगाता है, बहुत सारी दवाइयां खाता है, 8 से 10 महीने के अंदर उसकी सारी दवाइयां बंद हो जाती है। क्योंकि बीमारी लगी क्यों? वो बॉडी में कुछ 90 तत्व कम है, तभी तो बीमारी लगी। ये पूरे हो जा रहे हैं, आदमी नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है, हर जोड़ों के बीच में गादी होती है जिसे लोग कार्टिलेज कह देते हैं। तो घुटने के बीच की जब गादी घिसती है, नष्ट होती है, इसे हम ऑर्थराइटिस कह देते हैं। इस ऑर्थराइटिस का अंग्रेजी दवाई में कोई इलाज नहीं है। जैसे हमारा कोई बड़ा बुजुर्ग किसी हड्डी वाले डॉक्टर के पास चला जाए तो सीधी भाषा में कह देते हैं आपकी गिरिश खत्म हो गई है या घुटना चेंज कराना पड़ेगा। तो ये उस गिरिश को ही बना देता है और घुटने चेंज होने से बच जाते हैं। ऐसे एक नहीं, हमारे पास अनगिनत रिजल्ट है, लेकिन एक रिजल्ट मैं आज आपको यहाँ पे मिलाऊंगा जो हमारे बीच में है। रजत बिहार में रहते हैं, श्री DN सिंह जी हैं, 70 साल की उम्र है। उनको बोल दिया गया था आपके घुटने का ऑपरेशन होना है, गायत्री मैडम की के साथ ही है वो, और उन्होंने उनको उस दवाई को दिया और 6 महीने के बाद उनका घुटने का ऑपरेशन टल गया। उन्हीं की जबानी हम लोग सुनेंगे, मैं मिलाऊंगा। किसी गर्भवती लेडीज को दिया जाए, गर्भ ठहरने के 3 महीने बाद अपंग बच्चा पैदा नहीं हुआ, क्योंकि आज हम देख रहे हैं अपंग बच्चे पैदा बहुत हो रहे हैं। अपंग बच्चा पैदा होता ही कब है? जब उसके अंदर IGF-2 की कमी हो जाए, जिसको हम पहले ही दे रहे हैं। एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, एक माइंडेड बच्चा पैदा होगा, और दोस्तों विदाउट ऑपरेशन के होगा। तो हमारे दीपक भारद्वाज जी बोलते हैं कि 15 कैप्सूल गुनगुने पानी से दे दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी वो कराते हैं। अभी उन्होंने कराई है अपने बेटे की मिसेज को हुआ है बेटा, अभी हम बात कराएंगे उनसे भी न्यूरोस रिलेटेड, क्योंकि यहां जितने भी बातें होती हैं, देखिए मार्केट में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन यहाँ विद प्रूफ के साथ हम लोग बात करते हैं। क्योंकि छोटी मोटी कंपनी नहीं है धनवंतरी, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है धनवंतरी। पसंद आए तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।